हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 10 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो उसके लिए अन अकेडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया वाज री इलेक्टेड एज ऑब्जर्वर टू द आर्कटिक काउंसिलिंग एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम। द डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द 11th आर्कटिक काउंसिलिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट रोवानियमी, फिनलैंड। द काउंसिल आल्सो अपॉइंटेड द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO एज ए न्यू ऑब्जर्वर। इंडिया सक्सेसफुली गोट द ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2030 ड्यूरिंग द किरुणा मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन स्वीडन। भारत को एक पर्यवेक्षक फोरम आर्कटिक काउंसिल के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त में पुनः चयनित किया गया है। रोविनेमी, फिनलैंड में आयोजित 11वीं आर्कटिक काउंसिल की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को एक नया पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया। स्वीडन में आयोजित किरुणा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान 2013 में भारत को सफलतापूर्वक पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था। नेक्स्ट, द छत्तीसगढ़ पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम हैज इंडक्टेड वुमेन कमांडोज इन द डायरेक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRC, इट्स फ्रंटलाइन एंटी नक्सल फोर्स कंप्राइजिंग 30 वुमेन्स लेड बाय डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP दिनेश्वरी नंद हैव रिसीव्ड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन जंगल कॉम्बैट। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट कमांड गार्ड में महिला कमांडो को अपने अग्रिम पंक्ति के नक्सल विरोधी दल में शामिल किया है। उप पुलिस अधीक्षक DSP दिनेश्वरी नंद के नेतृत्व में 30 महिलाओं को जंगल की लड़ाई में उचित प्रशिक्षण मिला है। महिला कमांडो टुकड़ी के शामिल होने के साथ ही अब दंतेवाड़ा में DRG के दल की संख्या 6 हो गई है। नेक्स्ट, इंडिया आज फर्स्ट नोबल ल्यूटरिएट हु रेस्पेड बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक रविंद्रनाथ टैगोर वाज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट हु स्टार्टेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन एंड इन द प्रोसेस चैलेंज कन्वेंशनल मोड्स ऑफ एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर्स बर्थ एनिवर्सरी इज आल्सो एज पोचिस बैसाख 2019। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को पुनर्जीवित किया। ये एक शिक्षाविद भी थे जिन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत की तथा इस प्रक्रिया में परंपरागत शिक्षा को चुनौती दी। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को 25 बैसाख 2019 के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट टैफे लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन टू एड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर द MOU द एसोसिएशन प्लान्स टू जॉइंटली कंडक्ट एग्रीकल्चरल वर्कशॉप बाय इन्वॉल्विंग टैफेज डीलरशिप नेटवर्क। ट्रैक्टर निर्माता ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट टैफे लिमिटेड ने संसाधनों के संरक्षण में सहायता के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत एसोसिएशन की संयुक्त रूप से टैफे के डीलरशिप नेटवर्क को शामिल करके कृषि कार्यशालाओं का आयोजन करने की योजना है। नेक्स्ट, कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान एंड वाइस मिनिस्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ऑफ चाइना GACC लियो ज़ियो हेल्ड ए मीटिंग इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस ट्रेड रिलेटेड इश्यूज ऑफ पेंडिंग इंडियन रिक्वेस्ट फॉर क्लियरेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। वाणिज्य सचिव अनूप वाधवान और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ऑफ चाइना के उपाध्यक्ष ली गुओ ने कृषि उत्पादों की निकासी के लिए लंबित भारतीय अनुरोध के व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू एम्बार्क ऑन ए 4 डे ऑफिशियल विजिट टू वियतनाम टू पार्टिसिपेट इन 16th यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वैसाख। ड्यूरिंग द विजिट वीपी विल डिलीवर द की नोट एड्रेस एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ द इवेंट टर्म्ड एज बुद्धिस्ट अप्रोच टू ग्लोबल लीडरशिप एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सस्टेनेबल सोसाइटीज। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 16वें संयुक्त राष्ट्र दिवस वैसाख में भाग लेने के लिए वियतनाम की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की। यात्रा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए निर्धारित है। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति वैश्विक नेतृत्व के लिए बौद्ध दृष्टिकोण और सतत समाज के लिए साझा जिम्मेदारियां के विषय पर इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण से संबोधित करेंगे। नेक्स्ट, सिंगापुर पार्लियामेंट पास्ड ए लॉ टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज अंडर विच ऑफेंडर्स मे फेस अप टू 10 ईयर जेल और फाइन्स ऑफ अप टू $1 बिलियन ओवर 5.12 करोड़ रुपीज। द लॉ एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक एंड ट्विटर टू कैरी करेक्शंस और रिमूव कंटेंट इट कंसिडर्ड टू बी फेक न्यूज। सिंगापुर की संसद ने फर्जी खबरों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित किया है जिसके तहत अपराधियों को 10 वर्ष की जेल या $1 मिलियन लगभग 5 करोड़ 12 लाख से अधिक का तक का जुर्माना हो सकता है। कानून सरकार को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित करने का अधिकार देता है ताकि वे फर्जी खबरें मानने या सुधारने वाली सामग्री को हटा सके। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचार की। तो इंडिया रेटिंग हैज डाउनग्रेडेड द यस बैंक लॉन्ग टर्म रेटिंग टू INDA विद ए नेगेटिव आउटलुक वाइल रीफर्मिंग शॉर्ट टर्म रेटिंग। ICRA हैज ऑल्सो डाउनग्रेड द लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ द लेंडर अकॉर्डिंगली 6 instruments विद ए टोटल बोरोविंग ऑफ ओवर 33,000 करोड़ रुपीज वर ऑल्सो डाउनग्रेडेड। इंडिया रेटिंग्स ने लघु अवधि की रेटिंग की पुष्टि करते हुए नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ INDAA के लिए यस बैंक की दीर्घकालिक रेटिंग को कम कर दिया है। ICRA ने भी ऋणदाता की दीर्घकालिक रेटिंग को भी कम कर दिया है। तदनुसार कुल 33,000 करोड़ रुपए के ऋण वाले 6 उपकरण भी डाउनलोड ग्रेड किए गए हैं। नेक्स्ट, सुनील मित्तल ने टेलीकॉम मेजर भारतीय एयरटेल एंड हुग्स कम्युनिकेशन इंडिया हैव डिसाइडेड टू कंबाइन दियर VSAT वेरी स्मॉल ऑपरेटर टर्मिनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेशंस इन इंडिया। द ट्रांसमिशन इज ऑब्जेक्ट टू अप्रूवल्स बाय रिलेवेंट अथॉरिटीज। सुनील मित्तल के नेतृत्व में टेलीकॉम प्रमुख भारतीय एयरटेल और ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने भारत में अपने VSAT उपग्रह संचार संचालन को संयोजित करने का निर्णय लिया है। लेन देन संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टूरिज निधन की। तो रिनोड इकोनॉमिस्ट बदयानाथ मिश्रा पास्ट अवे ड्यू टू ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ही वॉज 99 ईयर्स ओल्ड। मिश्रा हैड स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए लेक्चरर इन रवेन्स्वा यूनिवर्सिटी इन कटक इन 1949। ही वॉज वाइस चांसलर ऑफ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम 1981 टू 1985। He was also the chairman of the State Planning Board from 1985 to 1990. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बैद्यनाथ मिश्रा का वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं के कारण निधन हो गया। वह 99 वर्ष के थे। मिश्रा ने 1949 में कटक रावेन्सा विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। वह 1981 से 1985 तक ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वह 1985 से 1990 तक राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर NR माधवा मेनन एन एजुकेशनिस्ट स्कॉलर एंड द पायनियरिंग स्पिरिट बिहाइंड मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया हैज पास्ड अवे। ही वाज 84 ईयर्स ओल्ड। मेनन वाज बेस्ट आउट विद द पद्मश्री इन 2003 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विसेज। एक शिक्षाविद स्कॉलर और भारत में आधुनिक विधि शिक्षा में अग्रणी योगदान करने वाले प्रोफेसर NR का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। मैनन को सार्वजनिक सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, प्रोफेसर कृपाल सिंह द फर्स्ट क्रॉनिकलर ऑफ पार्टीशन हु स्टार्टेड बिल्डिंग एन आर्चीव इन 1954 पास्ड अवे एट 95 इन चंडीगढ़। ही बिगन ई जर्नी इन पार्टीशन हिस्टोग्राफी इन 1953 एज ए यंग लेक्चरर एट खालसा कॉलेज अमृतसर।
1954 में एक संग्रह का निर्माण शुरू करने वाले विभाजन के पहले इतिहास के लेखक प्रोफेसर कृपाल सिंह का 95 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में निधन हो गया है। उन्होंने 1953 में खालसा कॉलेज अमृतसर में एक युवा व्याख्याता के रूप में विभाजन के इतिहास लेखन में अपनी यात्रा शुरू की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।